गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिलहाल मैं तेहरान में हूँ और ये पीछे वहीं भारिस्तान मेट्रो पे खड़ा हूँ रोज़ की तरह। फिलहाल उठा हूँ बस हाथ में धोके ब्रेकफास्ट करके, थोड़ा ऐसे ही दिख रहा होगा थका हुआ। और अभी मैंने टैक्सी बुलाई है यहाँ पर, तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से तेहरान से इस्फहान, और जिसके लिए मैंने टैक्सी बुलाई है। टैक्सी बुलाने के लिए यहाँ पर ऊबर ओला ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा स्नैप, खुद का ऐप है इनका, और आपको उसके लिए यहाँ की सिम चाहिए, तो सिम ले लेना तभी चलेगा। तो मैंने बुला लिया है, 4 लाख रियाल लेगा वो, बहुत सस्ती टैक्सी वगैरह, मतलब सस्ता देश लगा मुझे, बहुत सस्ता देश है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ साउथ टर्मिनल बस स्टेशन। यदि आपको इस्फहान जाना है तो आपको साउथ टर्मिनल बस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बस मिलेगी, और वहाँ से बस कैसी मिलती क्या रहती है वो मैं आपको आगे इस जर्नी में दिखाई दूंगा। तो वेलकम बैक। तो ये भैया मिले, ये भी मूवीज देखते हैं बॉलीवुड, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, हिंदी मूवी, विच मूवी नेम, तेरे नाम, सलमान खान, तेरे नाम, बड़ी नाइस, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मोहब्बतें, हमको हमी से जुड़ा लो, दिल ने कही तुम जुड़ा लो, ईरान वेरी गुड, खूबसूरत, मजांदरान गुड, गिलान गुड, वेरी नाइस, तख्त जमशीद, शिराज, ओके, वेरी फार फ्रॉम, तख्त जमशीद, बसारगाद, इस्फहान, शिराज, چسبیده به همه چیزی بهت بگم. کل سمجھ نہیں آ رہی، ٹرانسلیٹ یوز کر رہے ہیں. سرزمین شاهنشاهی ایران هست، پادشاه کوروش آرامگاهش در شیراز هست، جایی به نام تخت جمشید. تخت جمشید، اوکی، پادشاه ایران، ماشا ایران، آره 7000 سال تمدن رو اونجا میتونی درباره ایرانی‌ها ببینی. 7000 سال، اوکی، پرشین، تو بس ان کے ساتھ ہی بس اسٹیشن جا رہا ہوں اور ٹرانسلیٹ کر کے تھوڑی موڑی بات کر رہے ہیں. نام हुसैन, मैं अनुज, अनुज, ओके, ولی فکر کنم تو هند همه امیر خان رو دوست داشته باشن. آید خان، سونیل شتی، انیل کاپور، میدونم سهیل خان، سهیل خان، اشفار رایا، کاجول، گاهی خوشی کبی خوشی کبی غم، گود، هتریک روشن، شاهرخ خان، امیتاب بچن، زنگی دلم نہ لرزون، آی سیاہ زنگی دلم نہ لرزون، جمال 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 جمال، ये देख लो कितनी मोहब्बत है ईरानी हिंदी। ओके दोस्त ब्रदर, बाय बाय। खब दे साउथ टर्मिनल اینجا میری داخل ساختمون اتوبوس میگیری. देख रहे हो भाई कितना प्यार मिलता है यहाँ पर, सिर्फ एक कारण से कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, सिर्फ इस कारण से मुझे इतना प्यार मिलता है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है ऐसी कंट्रीज में, जो कहीं और नहीं हो सकता वो यहीं इन कंट्रीज में ही हो सकता है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ टर्मिनल, उसने मेरी बहुत अच्छी हेल्प कर दी। ये पीछे देख रहा आपको बस टर्मिनल यहाँ का, यहाँ आ जाना, और उसने मेरे से बोली है कि सीधे अंदर जाना, बाहर किसी से बात मत करना, अंदर वो इंग्लिश बोलते हैं, वहीं से ऑफिशियल टिकट ले लेना। तो उसने ये भी मेरे को बता दिया कि बाहर ऑब्वियसली ज़्यादा लेंगे टूरिस्ट, तो इनकी नहीं, अपने इंडिया में भी ऐसे ही करते हैं, हर जगह ऐसे ही करते हैं। चलो चलते हैं, टिकट लेते हैं और आपको रेट वगैरह बता देता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है,
भाई देखो कितना सुंदर बना रखा है ये बस स्टेशन। ये देखो, वाओ, ये दिख रही है मछलियां हैं उसके अंदर, ये देखो। और ये सारे मेरे को दिख रहे हैं अलग अलग ट्रैवल एजेंट्स। तब टिकट लेते हैं बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करना है, किसी से भी बात करते हैं। चलो तो ले लिए बस की टिकट, हर 15 मिनट में बस है यहाँ से, तो आपको पहले से बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और प्राइस जो मैंने दिया है बस का वो है 2 मिलियन, जो कि 300-400 रुपये होता है। तो बस 9 बजे चलेगी बस, और ये पीछे आपको सारी बसेस दिख रही होगी, तो ये आपको सारी बसेस दिख रही है। अब यहाँ पूछ लेता हूँ टिकट दिखा के कौन सी है मेरी। भाई ये देखो आप, तो क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, ये देखो क्या पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पर तेहरान के, और चारों तरफ से पूरी सिटी पहाड़ से ही ढकी हुई है। ये देखो, और ये मेरी बस है यहाँ पर, वो जो येलो कलर में दादा दिख रहे हैं, टिकट दिखा दी है, बस 10 मिनट में निकलेगी। ये बस के अंदर हूँ, बहुत बढ़िया बस है, उस साइड 2 सीटिंग, इस साइड सिंगल की सीटिंग। तो बस चलती है, और ऐसा कुछ सब कुछ दिया है, पता नहीं क्या है इसमें, खोल के देखते हैं। खाने पीने का ही लग रहा है, हाँ वेफर देख सकते हो, ऑरेंज वेफर, चिप्स वगैरह हो गया, ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बच्चों वाला सामान, और ये मिलेगा भैया बस में। 200-300 रुपये की बस में इतना सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, आप देख लो क्या सर्विस। तो भाई ये देखो बस रुकी है, और ऐसी दुकानें रहती हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी, और यूनिक यूनिक सामान बिक रहा है, ये देखो बुक्स वगैरह ये सब, बहुत बड़ी दुकान है। उधर कॉफ़ी वॉफ़ी मिल रही है, और ये ड्राई फ्रूट्स का बहुत कल्चर है। वॉच वॉच जैसे अपने हाईवे पे रहती है ना बड़ी बड़ी दुकानें, ये खाने पीने का, नॉन वेज बहुत मिलता है यार, इसलिए खाने में दिक्कत तो आ रही है। ये देखो कॉफी शॉप, और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है, देखो बियर का फोटो लगा रखा है, जबकि हराम इधर कहने क्या खिला दिया उसने, खट्टा खट्टा इमली ऐसा कॉफी लिए छोटी सी एक लाते, मतलब दूध वाली कॉफी 6 लाख की पड़ी है, मतलब अपने यहाँ के 100 रुपये। अब थोड़ा समझ आ रहा है मुझे, अपने यहाँ के 100 रुपये होते हैं 6 लाख। वो यार लैंडस्केप दिखाता हूँ, कितना सुंदर रेगिस्तान है, जैसा अपन मिडिल ईस्ट की जो बॉलीवुड में शूटिंग रहती है ना,
वैसा कुवैत वगैरह ऐसा कुछ। ये देखो रेगिस्तान, बीच में रोड जा रहा है और उधर पहाड़ों पे बर्फ भी दिख रही है, देखना क्रेजी। ये ऐसा कुछ है, बस का स्टॉप बना हुआ है, बड़े बड़े बने हुए हैं। अच्छे ₹1 दिस महात्मा गांधी तो भैया को मैंने रुपये दे दिया, आप पूछ रहे थे ₹10 भाई आ चुका हूँ इस्फहान। वेलकम टू इस्फहान। बहुत खूबसूरत रास्ता था यार, ऐसा रेगिस्तान दिखता है एकदम दुबई वुबई जैसा। ये मेरी बस है, ये सारी बस खड़ी हुई है, बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे बस स्टेशन से सस्ते हैं, सब कुछ बढ़िया लगा मुझे तो ईरान में। अब यहाँ से टैक्सी लेके पहुँचूंगा मेरे हॉस्टल। The main name of this mosque is Abbasi Jami Mosque. To show that we human beings might make mistakes, we are not perfect, only God is perfect.